हेलो दोस्तों, जिक्के चिलर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और क्या आपको पता है दोस्तों, ऐसा कौन सा एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म बोलने से ज़्यादा उसकी शॉर्ट फॉर्म बोलने में टाइम लगता है। और क्या आप जानते हो, अभी हाल ही में श्री धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हुआ था, उनकी कंपनी MDH की फुल फॉर्म क्या है? तो ऐसे ही सवालों के जवाब पाने के लिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, LLB की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, LLB की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉज। क्वेश्चन नंबर 2, NDA का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, NDA का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 3, MBBS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, MBBS का पूरा नाम है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 4, IIT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, IIT का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और यदि दोस्तों IIT के बड़े भाई MIT की बात करें, तो दोस्तों MIT का पूरा नाम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 5, BA और MA का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, BA का पूरा नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स और MA का पूरा नाम मास्टर ऑफ आर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो और नासा के फुल फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बंगलोर में है। और दूसरी तरफ नासा का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, UPSC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, UPSC का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 8, MDH का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, श्री धर्मपाल गुलाटी जी की कंपनी का पूरा नाम महाएशिया दी हट्टी है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ लैपटॉप का पूरा नाम लाइटवेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर है। और अब बात करते दोस्तों कि ऐसी कौन सी फुल फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म से ज़्यादा उसकी शॉर्ट फॉर्म को बोलने में टाइम लगता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब WWW। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।